श्री मेश्रम कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठाएं, वीडियो ऑन कर लें और किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। गर्दन सीधी, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, आंखें कोमलता से बंद, वो सहज हो जाए, सहज हो जाए। दो गहरे लंबे सांस भरें और गहरे सांस निकालें, सहज हो जाएं। दो गहरे लंबे सांस भरें, लंबे सांस निकालें और पूर्ण सांसों का एहसास, जो सांस अंदर गया, जो सांस वापस आया, उस सांस का एहसास। श्वास के साथ के साथ सहज होते जाएं। और आज सोहम से शुरुआत करेंगे। जब श्वास अंदर जाए तो सो, और जब बाहर आए तो हम। उच्चारण शो इस प्रकार सांस भरते हुए महसूस करें कि सो का उच्चारण कर रहे हैं, और निकालते समय महसूस करें कि हम का उच्चारण कर रहे हैं। आवाज आ रही है? कोई बताए एक बार। आ रही है? ठीक है। लगातार सोहम का उच्चारण तो हम पहुंचान साल भरते हुए सो और निकालते हुए हम, बिना किसी आवाज के सोहम की ऊर्जा को जागृत करना है। कोई आवाज नहीं करनी है। सहज साल भरते हुए महसूस करें कि सो और सांस निकालते हुए हम, और सोहम का एक चक्र बन जाए। सोहम का एक चक्र बन जाए। और इस चक्र से आपका औरा बढ़ता जा रहा है, ऐसा एहसास करना है। जैसे जैसे आप सोहम का उच्चारण कर रहे हैं, आपका औरा बढ़ता जा रहा है,
आपका और अब बढ़ता जा रहा है। आपके चारों ओर एक प्रकाश की लहर बनती जा रही है, चारों ओर एक प्रकाश का घेरा बनता जा रहा है। वो लहर किसी भी कलर की हो सकती है, किसी भी कलर का प्रकाश हो सकता है। उसको महसूस करते हुए सोहम का उच्चारण, लगातार सोहम का उच्चारण प्रत्येक सांस के साथ और पूर्ण महसूस करते हुए पूर्ण चेतना के साथ और जो ओरा निर्मित हो रहा है उस ओरा को महसूस करते हुए आपके चारों ओर एक प्रकाश का ओरा एक घेरा बनता हुआ और एक प्रकाश स्पर्श होता हुआ जितनी सहजता से स्वीकार जितनी सहजता से प्रकाश को देखेंगे उतना ही ये बड़ा होता जाएगा, उतना ही आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, उतनी ही गहरी साधना में जा पाएंगे। सोहम का उच्चारण बंद कर महसूस करें कि आप परमात्मा की ऊर्जा आपके सहजता चक्र पर गिरने लगी है, सिर के ऊपर गिरने लगी है, जैसे कोई सावर आपके सिर पर गिरने लगे और उसकी शीतलता पूरे शरीर में जाए। ठीक ऐसे ही इस कॉस्मिक एनर्जी का झरना आपके ऊपर गिरने लगा है और इस कॉस्मिक एनर्जी के झरने का एहसास करना है, इस कॉस्मिक एनर्जी के झरने को महसूस करना है जो आपके अंदर आ रहा है, जो आपके अंदर एहसास कर रहा है। इस ऊर्जा के झरने को महसूस करें जो लगातार आपके अंदर प्रवेश कर रहा है, जो लगातार आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। उस ऊर्जा का एहसास आपको करना है। अनंत गहराई में डूबते जाना है। ऊर्जा की अनुभूतियों के साथ अनंत गहराई में डूबते जाना है। इस ऊर्जा की शीतलता को भी महसूस करना है, अनंत गहराइयों में डूबते जाना है और ऊर्जा के साथ इस शीतलता के साथ एक गुलाबी प्रकाश आपके अंदर प्रवेश होता हुआ, एक गुलाबी प्रकाश आपके अंदर प्रकट होता हुआ और गुलाबी प्रकाश को महसूस करते हुए आगे बढ़ना है। शून्यता की ओर जाना है, स्वयं को खाली करने का प्रयास करना है। अगर स्वयं खाली हो गए तो शून्य तक पहुंच जाएंगे और शून्य तक पहुंच गए तो सफल हो जाएंगे। एक कोरे कागज की तरह
जिस कागज से सब कुछ मिटा दिया जाए और कुछ भी ना बचे। ठीक ऐसे ही अपने चित्त पर जो जन्मों के संस्कार हैं, जन्मों की मान्यताएं हैं, जन्मों के कर्म हैं, उन सब को मिटा दें, सब खत्म कर दें, सब को डिलीट कर दें, कुछ भी ना बचे, ना कोई रेखा, ना कोई शब्द, ना कोई विचार, ना कोई कल्पना, ना कोई वासना, सब कुछ खत्म हो जाए और पूर्णतः खालीपन हो जाए। स्वयं को पूर्ण खाली करना है, जितना खाली होते जाएंगे उतना ही उस शून्य की ओर बढ़ते जाएंगे। रिक्त होना, खाली होना, कोरा हो जाना, उस महाशून्य में समा जाना, अनंत शांति और अनंत के साथ उस महाशून्य में डूबते जाना, गहराई में खोते जाना, जहां पूर्ण शून्यता प्राप्त हो, जहां परमात्मा आपके अंदर उतरने लगे, स्वयं ही बाधा है और बाधा से घबराना नहीं है, कोई बाधाओं को मिटाते जाना है, कोई विचार, कोई विभाव, कोई विकल्पना, सब खत्म करते जाना है, खाली होते जाना है, पूर्ण खाली होते जाना है, और जितना खाली होते जाएंगे उतना ही गहरी अनंतता में उतरते जाएंगे। जितना खाली होते जाएंगे उतनी गहरी अनंतता में उतरते जाएंगे। एक बार एक नाथ ने निवर्तीनाथ को पत्र लिखा, एक कोरा कागज लिया और बिना कुछ लिखे ही निवर्तीनाथ को भेज दिया, और निवर्तीनाथ ने उसे खूब पढ़ा, बार बार पढ़ा, भाव विभोर हो गए, पास ही मुक्ताबाई बैठी थी, उसने उनको भी पढ़ने को दिया, उनके तो आंसू बहने लगे, गदगद हो गए। आसपास जो लोग मौजूद थे सो कहने लगे कि ये क्या पागलपन है, इस कागज पर तो एक शब्द भी नहीं है और फिर भी निवर्तीनाथ पढ़ रहे हैं और बार बार पढ़ रहे हैं, और मुक्ताबाई तो आंसू बहाने लगी। तो ये कोरा कागज ही आपको बनना है,
सारे शास्त्र एक कोरे कागज ही है, और अगर कोई कागज पढ़ना आ जाए तो सब शास्त्र पढ़ने आ जाए। जिसने इस रिक्तता को पढ़ लिया, जिसने इस खालीपन को जान लिया, उसने सब जान लिया। मिट जाना है, कोरा हो जाना है, बिल्कुल खाली। और जितना खाली उतनी गहरी शांति, उतना ही गहरा आनंद। हाई में डूबते जाना है और खाली होते जाना है, पूर्णता खाली। और जितना खाली होंगे उतना ही अद्भुत। उतना ही गहराई में डूबते जाएंगे, अनंत गहराई में डूबते जाना है, खोते जाना है। समाज विचारों को, समाज क्रियाओं को खत्म करते जाना है। एक गहरा कोरापन, गहरा खालीपन, जहां कुछ भी ना बचे। कोई विचार ना बचे, कोई क्रिया ना बचे, कोई प्रतिक्रिया ना बचे, सिर्फ मिट जाना है, स्वयं को मिटा देना है। और जब स्वयं को मिटा देंगे तो परम प्रकट हो जाएगा, वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा, उस परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। स्वयं के मिटे बिना उस परमात्मा का अनुभव संभव नहीं है। उस परमात्मा के अनुभव के लिए स्वयं को मिटना है, और स्वयं को मिटना समस्त विचारों को, समस्त क्रिया प्रतिक्रियाओं को खत्म कर देना है। और जब क्रियाएं खत्म हो जाती हैं, प्रतिक्रियाएं खत्म हो जाती हैं, तो आपके हृदय में एक गुलाबी प्रकाश प्रकट होने लगता है। एक प्रेम का भाव, एक आनंद का भाव, जब मीरा के अंदर प्रकट हुआ, जो राधा के अंदर प्रकट हुआ,
Eso que es enojado. Fíjate, me quieres hacer gripe, quieres hacer sangre. Oye, quieres hacer sangre, tú me duques ya la gente. Yo fíjate, me quieres hacer sangre, te gato. Oye, quieres hacer sangre, tú me duques ya la gente. El संगीत के साथ के हृदय में प्रकट हो रहा है जो हृदय में जागृत हो रहा है पूरे ध्यान से उसको सुनना है उस शब्द को उस धुन को जो वहां प्रकट हो रही है एक गहरी धुन आपके अंदर जागृत हो रही है गहराई से उसे सुनने की कोशिश करें जो धुन सुनाई दे रही है जो नाद सुनाई दे रहा है उसको ध्यान से सुनते जाना है ध्यान से सुनते जाएं और गहराई में डूबते जाएं अनंत गहराई में डूबते जाना है इस म्यूजिक के साथ
त्रिधुन के साथ अनंत गहराई में डूबते जाना है, खोते जाना है त्रिधुन के साथ। एक अद्भुत धुन, एक गहरा नाद, एक गहरा सा, इस धुन के साथ खोते जाएं, पूर्ण एकाग्रता से, पूर्ण स्थिरता से इस धुन पर ध्यान लगाएं जो दिखाई दे रही है। अनंत गहराई में डूबते जाएं इस म्यूजिक के साथ। धीरे धीरे डूबते जाएं गहराई में, इस म्यूजिक की गहराई में जो आपको सुनाई दे रहा है उसमें गहराई में डूबते जाएं। खोते जाएं इस म्यूजिक में, इस नाद में, इस गुंजन में,
होते जाना है इसमें इस नाद में इस म्यूजिक में म्यूजिक आपके हृदय से उठ रहा है ऐसा एहसास कोई चेतना शक्ति हृदय के ऊपर और हृदय से उठता हुआ म्यूजिक ये धुन ये नाद मनन गहराइयों में डूबते जाए हृदय में उठते हुए म्यूजिक को एहसास करते हुए मेरी को सुनते जाना है एहसास करते जाना है पुण्य में खोते जाना है समाते जाना है सुनने में समाते जाना है गहरे महाशून्य में जहां कुछ भी नहीं शिव और शिव एक मुझी के हृदय से उठता हुआ खो जाए इस में भूल जाए खुद को मैं कौन हूं क्या हूं सब भूल जाए कुछ भी ना बच दे ना कोई विचार ना कोई कल्पना ना कोई क्रिया ना प्रतिक्रिया सिंह को शेर गहरा सुन ले गहरी धुन गहरा मेरी केवल और केवल सुनने गहरा सुनने गहरी शांति गहरा आनंद
Bien, Guti. Porque dicen que esta nueva parte de dire che la nueva persona que yo te hago de dire che la nueva persona que yo te hago de lo que es el hombre saldré su asunto Chasu pesas que sas rica y sas creen. Chasu pesas, sí pesas. A ti, ni de chitna, papás. Ni de chitna, papás. A tu primero me ha hecho creen. हथेलियों को रख करें गर्म करें आंखों पर लगाएं चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आपके बोल तुम्हें चेतना वापस आ जाए सभी चेतना में वापस आ जाए यदि लगता है कि यह कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसके शांत के साथ सभी को प्रणाम ओम शुभ रात्रि